बगदाद माशाल्लाह। तो भाई ये लोग यहाँ पर मस्त खड़े रहकर रात में यार इतना कर रहे हैं। तो ये सुन लो, अमेरिका में भाई रात के 11 बजे से सहरी शुरू होती है। ये हलाल फूड खाने से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, मस्जिद के अंदर है ना भाई किचन भी है। बंदा देखो यहाँ बैठकर अपनी सहरी कर रहा है भाई, दिन भर में क्या करते है भाई यहाँ अमेरिका में रोजा रखने के बाद। अरे पीछे से हाय हेलो कर रहे, ये लो भाई। तो आज की जो मस्जिद में हम लोग जा रहे हैं ना भाई, ये मस्जिद का एरिया इतना डेंजर है ना, लेकिन यहाँ पर मुसलमान लोग भाई रहते हैं तो ये सेफ नहीं है ये एरिया जरा भी। सोचा कि अब यहाँ पर आप लोगों को जाकर बताऊं कि भाई अमेरिका में ऐसी डेंजर जगहें भी है लेकिन वहाँ पर भी भाई मुसलमान रहते हैं। बाल्टीमोर आप लोग सर्च कर लेना भाई गूगल पे, जैसे आप लोग सर्च करोगे ना पूरे अमेरिका में नंबर 3 पे सबसे डेंजरस भाई ये सिटी मानी जाती है, जहाँ जिस मस्जिद में हम लोग अभी जा रहे हैं। ये देखो खूबसूरत सी भाई मस्जिद। अब जिस तरीके से मैंने बताया था आप लोगों के, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। ये थोड़ी बड़ी वाली मस्जिद है, लास्ट टाइम जो गए थे टर्किश मॉस उसके बाद एक सेकंड नंबर वाली वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखना। ये मस्जिद में तो मैं खुद पहली बार आ रहा हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे हैं आप सभी लोग। अब आप लोग हमारे पीछे देख रहे हो भाई, पीछे एक और मस्जिद जहाँ पर अभी हम लोग आए हुए भाई, इससे मिलो आप लोग। इसके पहले दो वीडियो में आप ये नहीं थी मेरे साथ में, बिकॉज मैं अकेला अकेला ही जा रहा था, लेकिन आज इसको साथ में लाया हूँ, कैब भी है साथ में। और आज आने की वजह क्या है भाई, रात के ऑलमोस्ट बज गए भाई, और आज का वीडियो ना यार एकदम यूनिक होएगा और एकदम अलग होएगा। हम लोग आए खाना खाने खाना खाने नहीं, एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है मस्जिदों में रमजान में ना सुहूर नाइट्स होती है, तो जैसे रात भर ना जगह जगह से पूरे ऑल ओवर अमेरिका से वेंडर्स आते हैं अपने अपने रेस्टोरेंट्स खाने लेकर यहाँ पर टेंट्स वगैरह लगाते हैं। तो रात भर जो होती है सहरी और रात भर होती है इबादत, फिर सुबह की नमाज होती है, उसके बाद होती है छुट्टी और फिर होती है इफ्तारी। तो आज ये एक हमारे घर के पास वाली मस्जिद है, इतनी पास भी नहीं है, 45 मिनट्स है, तो हमने सोचा चलो ये भी एक्सपीरियंस करते हैं, आप लोगों को भी एक्सपीरियंस करवाते हैं और मजा बहुत आएगा आपको ये वीडियो देखने में। और सबसे मेन चीज तो यार कि हम लोग आए हुए सहरी करने के लिए यार, और यहाँ पर अमेरिका में सहरी शुरू कब से हो रही है भाई, रात के 12 बजे से। तो ये सुन लो, अमेरिका में भाई रात के 11 बजे से सहरी शुरू होती है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये प्रोग्राम जो है ना ये भाई यहाँ पर शुरू हुआ है इसको। तो भाई ये सहूर नाइट करके अंदर चल के बताते हैं आपको कि यार यहाँ पर क्या है भाई शहरी में, एक्चुअली क्या खाने के लिए इतने सारे लोग आए हुए। ये हम लोग फिलहाल अभी बाल्टीमोर में खाए, ये मैरीलैंड में ही आता है। अब अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं भाई कि शहरी में यहाँ पर है क्या, और सुबह 5 बजे तक का हमारे पास टाइम है खाने के लिए, तो पूरा अभी हम लोग घंटे पड़े हुए। चलो अंदर चल के थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और ये देखो भाई ये मस्जिद में ना एक्चुअली मैं खुद फर्स्ट टाइम आऊँ, और यहाँ पर देखो प्रॉपर सब तरीके से ना एकदम पूरा ऐसा अरेंजमेंट किया गया है भाई। पहला मैं आप लोगों को इसका ना प्रॉपर नाम बता देता हूँ, ये देखो भाई इसे कहा जाता है, देखो उसका नाम भी आप लोग अच्छी तरीके से देख लो, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ बाल्टीमोर, ये अल रहमान स्कूल। तो ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं है भाई, ये मस्जिद के साथ ही साथ में भाई इसके अंदर स्कूल भी है। तो अंदर जाकर ना मैं आप लोगों को पूरा अच्छे से ना मस्जिद भी दिखाऊंगा। आई एम श्योर ये मस्जिद देखकर आपको बहुत अच्छा लग रहा रहेगा। ये देखो क्या प्यारी लिख रही है यार, ये देखो क्या खूबसूरत, वहाँ देखो अल्लाह मोहम्मद और बीच में कलमा लिखा हुआ है, और भाई ऊपर कलर देखो एक यूनिक कलर है। मोस्टली मैंने ना मस्जिदों में कलर जो देखा हो ना वो ग्रीन कलर का देखा हो, लेकिन यहाँ पर अमेरिका की ये वाली मस्जिद ऑरेंज कलर का है भाई। ये लो क्या खूबसूरत लग रही है, और तादाद देखो भाई रात के 12 बज रहे और भीड़ देखो यहाँ पर यार। चलो आप एक्साइटेड हो खाने के लिए, चलो फिर यार देखते क्या है अंदर, कौन आया भाई, यहाँ पर क्या मिलता है। और मोस्टली लोग यहाँ पर है ना हलाल फूड की वजह से। ये देखो कितनी पब्लिक है यार, 12 में 5 का मैं हर व्लॉग में आप लोगों को टाइम दिखा दो, आज भी देख लो। अब ये मेरे पीछे इतनी भीड़ देखकर यार कौन बोलेगा कि भाई ये अमेरिका है और यहाँ पर रात के 12 बजे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए। क्यों हुए इकट्ठा भाई, सहरी करने के लिए लोग आए हुए, लाइन में ऑलरेडी लग चुके हैं भाई। अरे पीछे से हाय हेलो कर रहे, ये लो भाई। तो यहाँ पर लाइन देखो, यहाँ पर चाय के लिए भाई, यहाँ चाय कॉफी के लिए यहाँ पर लाइन लगी हुई है, ये देखे। तो अभी फिलहाल हम लोग ने जस्ट ऑर्डर किए भाई, एक चिकन बर्गर एक चिकन सैंडविच वगैरह लिए भाई। मैं तो बोलूंगा ये ना मोहम्मद अली रोड पर भी इतनी भीड़ नहीं रहेगी जितनी ज्यादा भीड़ आप लोगों को यार यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ये देखो यार, और यहाँ पर जितने भी ये कार्ड देख रहे हो ना भाई, ये जितने भी यहाँ के फूड ट्रक वगैरह है ना डीसी वगैरह में, वो सब यहाँ पर आए हुए अपना अपना खाना लेकर भाई। थाई है, चाय कॉफी है, काफी सारे ऑप्शन है भाई यहाँ पर, और लोग यहाँ पर खड़े रह गए ना भाई लाइन में लगे हुए आधा आधा एक एक घंटा, और भाई यहाँ पर खाने के लिए तैयार है। तो सोचो मतलब यार कितना क्रेज है अमेरिका में भी रमजान का, और यहाँ पर भी ना आपको यार हर कंट्री के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मोस्टली मैंने यहाँ पे यार अरब साइड के जितने भी ना गल्फ कंट्रीज के उन लोगों को काफी ज्यादा लोग मैं यहाँ देख रहा हूँ यार, यहाँ पूरा उतना दूर था, और यहाँ पर पीछे भीड़ देखो यार कितनी ज्यादा भीड़ है। और सच में बता रहा हूँ देखकर ना दिल खुश हो गया मेरा कि भाई लोग इतना इंटरेस्ट से भी रात के 12 बजे यार इतने लोग लाइन में खड़े रहकर
या खाना लेकर आए हो सहरी के लिए भाई यहाँ पर रुके हुए। ये मैं बोलता हूँ ये ना मोहम्मद अली रोड को भी है ना भाई, मैं बोलता हूँ उससे ज्यादा भीड़ मेरे को यहाँ पर दिख रही है, पूरा उसी की याद दिला दिया मुझे यार। अगर आप लोग बॉम्बे से हो तो आपको पता होगा भाई कि मोहम्मद अली रोड है क्या, तो उससे हुए ये उसका भी डबल मुझे यहाँ पर फील दे रहा है। देखो यार क्या बात है यार। तो अभी यहाँ से अपना चिकन बर्गर वगैरह पिकअप करते और फिर लेते हैं, और फिर मैं आप लोगों को और थोड़ा दिखाता हूँ, और फिर यहीं से हम लोग ऊपर जाकर है ना भाई मस्जिद में जाकर आप लोगों को बताऊंगे भाई अंदर से मस्जिद है कैसे, तो मज़ा आ जाएगा भाई। और भाई ये कार्ड जहाँ से मैं ले रहा हूँ ना भाई, ये बनाने वाले भाई साहब अपने पाकिस्तान से लग रहे, और ऊपर देखो हलाल का इन्होंने सिग्नेचर भी डाला हुआ भाई, और यहाँ पर अंदर से गरम गरम बनाकर भाई साहब यहाँ यहाँ पर सबको सर्व कर रहे हैं, तो क्या जबरदस्त लग रहा है यार। ये क्या कश्मीरी चाय वगैरह भी है। मैं ना हर वीडियोस में यार यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अमेरिका की जितनी यूनिक चीज़ें बता सकूँ ना यार, यहाँ पर होते हुए मुझे मौका मिला है। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज़ें आप लोगों को यहाँ की दिखाऊँ और बताऊँ कि भाई यहाँ पर रमज़ान लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं यार। और मैं ना एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा भाई, लोग देखो जैसा मैं बात कर रहा था भाई हलाल खाने की, हलाल फूड के लिए भाई इतना दूर दूर से लोग आए हुए, खैर बहुत अच्छी बात है कि भाई हम लोग हलाल फूड ही लेकर खाना चाहते हैं। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि यार ये मैसेज ना मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, ये हलाल फूड खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या है, ये खाना बहुत अच्छी बात है और यही खाना चाहिए हमें, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई किसी का है ना हक ना मारे। जिसको ज़रूरत है ना भाई मेक श्योर आप किसी का हक ना मारे, किसी के साथ ज़्यादती ना करें, और किसी के साथ ना गलत करके ज़िंदगी में पैसा ना कमाए ना वैसी कमाई खाए। वो कमाई जो ईमानदारी से हो, किसी का उसमें हक मारा ना गया हो, कोशिश करें कि आप लोग ऐसी कमाई खाए, उसके बाद फिर आप लोग अगर उस हलाल कमाई से अगर ये हलाल खाना इस तरीके से ढूंढ के खाओगे ना, तो उसमें मज़ा और बरकत दोनों आ जाएगी भाई। यार वाकई बता रहा हूँ एक अलग एक्सपीरियंस लग रहा है भाई यहाँ पर आकर, और ये ना एक्चुअली हर रोज़ नहीं होता है, ये स्पेशली इस रमज़ान के इस साल का जो रमज़ान है ना उसमें पहली बार मतलब सेकेंड टाइम मतलब हो रहा है ये टोटल, लेकिन ये एक ही दिन होता है इस रमज़ान का एक बार। तो मतलब रात में ऑलमोस्ट 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक भाई ये चलता रहेगा, और लोग आएंगे आकर खाकर भाई जाते रहेंगे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, बारिश होने वाली थी, बारिश धीरे धीरे हो रही है, लेकिन फिर भी है ना यार लोग यहाँ पर आकर देखो भाई लाइन लगा कर भाई खा रहे, मतलब पूरा शहरी का जो सही मज़ा बोलते ना भाई एक नंबर तरीके से यहाँ पे शहरी का मज़ा ले रहे हैं भाई। और पीछे भाई साहब भोंगा लेकर भाई अपने इंडिया में कैसा हो उसमें माइक में बोलते एकदम बिल्कुल वैसा ही बोल रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और ये जो मस्जिद है ना भाई, ये मस्जिद को ऑलमोस्ट है ना भाई, अरे वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, बिग फैन यार। यार कितने सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए, देखो लाइन से पूरे यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए भाई, और यहाँ पर दोस्त यार मिलकर आपस में यार मस्त आए हुए और शाम की रात की जो शहरी है ना भाई उसका मजा ले रहे हैं भाई। ये देखो और यहाँ पर देखो यहाँ पर पूरा बैठकर भी इन्होंने पूरा बनाया हुआ है कि आप लोग यहाँ से खाना ले, खाना यहाँ से लेकर लाइन में लगा फिर यहाँ पर आप लोग बैठकर इत्मीनान से खा सकते हैं। और अभी अंदर भी जाकर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भाई ये मस्जिद है कैसी, वहाँ पर कनीज खाना ले रही है, तो जब तक खाना ले ले फिर उसके बाद फिर भाई जब तक मैं अंदर जाकर आप लोगों को बताता हूँ कि अंदर से मस्जिद है कैसी। और यहाँ पर ये लोग कुछ बेच रहे लगता है, ये होममेड पेस्ट्रीज है जो ये लोग यहाँ पर बेच रहे हैं यार। ये लो भाई ये बंदे लोग, वेयर यू फ्रॉम, आई मीन विच इराक, इराक, अरे भाई तीनों बंदे लोग आके मुझे पकड़ लिए, बोले कि भाई हम लोग इराक से, इंडिया, बगदाद, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वी लव यू, रमजान मुबारक, वुहू, बिग हार्ट, वी पैलेस्टाइन, बिग हार्ट, बिग हार्ट, थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर। तो भाई ये बंदे लोगों ने पकड़ लिए मुझे भाई, बोले कहाँ से तेरा, तू व्लॉगर है कौन है भाई, मुझे ये लोगों ने पकड़ लिए, तो बोला हाँ भाई। बाकी एक चीज़ मैं बोलूँगा भाई, लोग यहाँ पर इतने फ्रेंडली है ना, बिकॉज दूसरी दूसरी कंट्री से आके मतलब लोग जब एक दूसरे को मिलते हैं ना, एक मतलब एक अलग तरीके का ना भाई फेस्टिवल, एक मतलब एहसास हो रहा है कि भाई सच में रमज़ान है ना भाई अमेरिका में इस बार सेलिब्रेट हो रहा है, मतलब हर साल होता है लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस करना यहाँ पर आकर पहली बार भाई एक अलग एक्सपीरियंस है और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है यार। देखो ना जिस कोने में जाओ ना भाई इस मस्जिद के, भाई पब्लिक ही पब्लिक है, देखो तो सही। तो ये कुछ यहाँ के स्टेयर्स सीढ़ियों से चलते हुए भाई चलकर देखते कैसा है ये।
अच्छा यहाँ पर भी है ना भाई, ये जिम्नाजियम यहाँ पर भी अंदर एक्स्ट्रा बैठने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी आप लोग जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना भाई, ये पीछे ना ये पूरा जिम्नाजियम है, मतलब यहाँ पर ये पूरा जिम एरिया है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इस एरिया को ओपन करके रखे ताकि लोग बैठ कर ना इसको यहाँ पर यूज कर सके और भाई खाना वगैरह खा सके। और साथ ही साथ में यार इस मस्जिद के अंदर है ना भाई किचन भी है। अब कौन सोचेगा भाई मस्जिद में, इतनी बड़ी मस्जिद में भाई किचन भी हो सकता है किसी मस्जिद में? तो ये एक पूरा भाई यहाँ पर किचन है, आप लोग यहाँ से ना यार खाना वगैरह लेकर ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं ना आप लोगों को मस्जिद के मेन एरिया में लेके चलता हूँ। ये पूरा एक सेंटर का एरिया है। अब मैं यहाँ से ना आप लोगों को दिखाता हूँ कि भाई कहाँ पर यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। और ये यहाँ पर कुछ ऐसा वजू करने का इस बार ऐसा बनाया हुआ है, यहाँ पर देखो रेस्ट रूम में इस तरीके से आप लोग आके वजू वगैरह कर सकते हैं यहाँ बैठ कर। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। जरा मैं यार चप्पल उतार दूँ अपनी और फिर मैं आप लोग अंदर बता दूँ, मैं बात नहीं करूँगा, खामोशी से खाली अंदर चलकर दिखाते हैं आपको। मेन इसका एक सेंटर एरिया है और भाई यहाँ से ये देखो कुछ इस तरीके की मस्जिद है भाई यहाँ पर। ये देखिए यहाँ खैर कोई नमाज़ वगैरह पढ़ तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि भाई क्या है यहाँ पर। तो ये मेन है मुसल्ला भाई, जहाँ पर इमाम साहब खड़े रहकर नमाज़ पढ़ाते। और ये देखिए क्या खूबसूरत। वालेकुम अस्सलाम भाई, ये बंदा मुझे सलाम कर रहा है, क्या बात है। लोग अच्छे यहाँ पर देखो, अच्छे लोग बैठ कर यहाँ पर भी फ़ोन पर टाइम पास। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अभी लोगों का टाइम है सब करने का, तो कर रहे वो लोग। यहाँ ऊपर भी आप लोग यहाँ पर भी नमाज़ पढ़ सकते हैं। एक्चुअली है काफ़ी बड़ी मस्जिद है। और एक चीज़ है भाई यहाँ के बारे में ना, मैं आप लोगों को ना एरिया के बारे में, थोड़ा सा ये एरिया ना थोड़ा ठीक नहीं है, मैं इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊँगा कि क्या है भाई ये एरिया का। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो भी करना है भाई केयरफुली करना है भाई। कोई भी मस्जिद हो यहाँ बच्चों की देखो लड़ाई ये सब चलते हैं, तो देखो यू गोना हर्ट, डोंट डू इट। ये देखो भाई अच्छे लोगों की मस्ती ख़त्म नहीं होती है। तो कुछ ऐसा था भाई ऊपर से नज़ारा, और यहाँ पर भी ऊपर लोग है ना खड़े रहकर खा रहे हैं अभी भी। मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे आके ना 1.5 घंटा हो गया, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा भाई, ऐसा लग रहा है 10 ही मिनट हुआ आकर। चलो भाई बंदे लोग चाय वाय लेकर आ रहे हैं भाई, सही है यार। यहाँ लोग देख के बैठ कर खाना भी शुरू कर दिए यार, क्या बात है। आई थिंक मैं भी इतने जल्दी अगर खाऊंगा तो फिर बाद में फिर भूख लग जाएगी, तो इतना जल्दी खाना ठीक नहीं है। और यहाँ पर ये भाई साहब कुछ चाय कॉफ़ी यहाँ पर दे रहे हैं। और यहाँ पर कॉफ़ी हाउस करके ये देखो बहुत लगते हैं, यहाँ का फेमस है भाई, तो लोग यहाँ लाइन लगा लगा कर ये कॉफ़ी हाउस से भाई यहाँ कॉफ़ी वगैरह खरीद रहे हैं। ये देखे चाय कॉफ़ी यहाँ पर ली जा रही है, और भीड़ देखो भाई यहाँ पर लाइन, और चाय की सबसे ज़्यादा बड़ी लाइन है भाई, देखो कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है भाई। ये देखो अंदर वो गरम गरम चाय बनाकर दे रहे भाई अंदर से। ये देखो एक चीज़ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई यहाँ पर लोगों ने ना देखो भाई ज़रा भी गंदगी नहीं की हुई है। लोग खा रहे पी रहे, लेकिन आपको ज़रा भी गंदगी दिख रही है कहीं पर, कुछ कचरा फेंका हुआ कुछ भी। तो आप लोग भी ना एहतियात करें कि आप कहीं भी हो ना भाई, कहीं भी खाओ कहीं भी पियो, मेक श्योर कि यार आप लोग है ना डस्टबिन का यूज़ करें। लोग साफ सफाई से भाई खा पी कर डस्टबिन में डाल देते हैं, ये चीज़ का आप लोग भी ख्याल रखें। दुनिया के किसी भी कोने से आप लोग वीडियो देख रहे हो। और साथ ही साथ में यार मैंने ना एक वीडियो बनाया था इफ्तारी के ऊपर टर्किश मॉस्क पे, वो वीडियो नहीं देखे हो वो वीडियो ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर जरूर देखना, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को वीडियो देखकर। और वैसे ठंडी इतनी है भाई, ऑलमोस्ट है ना 2 डिग्री है, और इतनी ज़्यादा आप लोग देख रहे हो मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है भाई, क्योंकि ठंडी है। तो क्या ठंडी में इतना ना रोज़ा पता नहीं चल रहा है फिलहाल, ऑलमोस्ट अभी 13 रोज़े कंप्लीट हो गए माशाल्लाह यहाँ पर। बस धीरे धीरे करके ऐसे ही पूरा रमज़ान निकल जाएगा। जितने भी लोग आए ना, इन लोगों ने बहुत सही तरीके से ना यहाँ पर अरेंजमेंट की हुई है भाई। यहाँ पर अगर फिर आप बात करें भाई पुलिस वगैरह सब, सिक्योरिटी वगैरह भी ना भाई एकदम एक नंबर, मतलब बहुत सही तरीके से इन लोगों ने ना इतना बड़ा इवेंट भाई ऑर्गेनाइज किए इस साल। ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे को धक्कम धुक्की दे रहे कुछ भी कर रहे, नहीं भाई सब इत्मीनान से लाइन में खामोशी से खड़े भाई, अपना नंबर आ रहा है खाना ले रहे, और भाई लेकर कोई घर निकल जा रहा है, कोई भाई चला जा रहा है वहाँ पर बैठने के लिए। जो मैंने आप जैसा आप लोगों को बताया हलाल खाना जो है ना भाई, यहाँ पर हलाल ढूंढना वो कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये एक ही जगह पर इतने सारे वेंडर जो आए हुए खाने का अपना अपना सामान लेकर भाई, ये सारे हलाल फूड है, तो उसकी वजह से भाई लोगों को मौका मिला कि भाई एक ही टाइम पे 10 अलग अलग चीज़ें वो लोग ट्राई कर सकते हैं। वरना एक एक चीज़ लेने के लिए जाने के लिए भाई अपने घर से आधा आधा घंटा दूरी पर जाना पड़ता है एक एक हलाल चीज़ लेने के लिए। और कोई कोई सिटी ऐसी है भाई जहाँ पर पास पास में दुकानें होती है, पास पास में रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे आप लोग इत्मीनान से खा सकते हैं। मोस्टली ये होता है कि भाई थोड़ा दूर दूर तक जाना पड़ता है, उसके हिसाब से भाई लोग यहाँ पर आए हुए दबा के खा भी रहे लोग। वालेकुम अस्सलाम, यस सर, रियान सैयद। सैयद Yes, R-E-Y-A-N-S-A-Y-E-D. Walaikum As-Salaam. I saw you at the Turkish message.
Yeah. So what's your YouTube called? I'll search it up right now. Oh sure man. Yeah, of course. What's your name, buddy? Hamza. तो भाई साहब को मैं खाली अपना YouTube चैनल दे रहा हूँ यार. So since how long have you been coming here to this mosque? Actually, this is the first time or second time coming here, but I go to ICCL. Inshallah, Jazakallah. Thank you man, thank you so much. Waalaikum assalam. तो भाई साहब, ये भाई साहब आकर भाई YouTube चैनल मांग रहे थे, मैंने दे दिया. यहाँ से मस्जिद देखो क्या खूबसूरत लग रही है यार. ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा आ रहा है यार. भाई ये पुलिस ऑफिसर को भी ना भाई थैंक यू बोलना बनता है. थैंक यू ऑफिसर, थैंक यू फॉर योर सर्विस. थैंक यू. ओह थैंक यू. टेक केयर गाइस. थैंक यू. तो भाई ये लोग यहाँ पर मस्त खड़े रह के रात में यार इतना कर रहे हैं ड्यूटी, तो उनको थैंक यू बोलना बनता है भाई. तो यहाँ से ऐसी कोई स्टेयर्स वगैरह बनाई गई. अब मैं बोला अगर आपको मस्जिद दिखा ही रहा हूँ तो पूरी तरीके से बता दूँ कि भाई पीछे से इस मस्जिद का लुक है कैसा, कैसी दिखती है ये मस्जिद. यहाँ से देखो क्या प्यारी लग रही है भाई. खूबसूरत सा ये नज़ारा मस्जिद का यार. और ये बच्चे लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ये स्कूल है, तो स्कूल के लिए यहाँ पे छोटे छोटे क्लासरूम वगैरह बनाए गए हुए. तो यहाँ पर आकर भाई बच्चे लोग क्लासरूम में पढ़ते हैं. बंदा देखो यहाँ बैठकर अपनी सहरी कर रहा है भाई. तो ये भी इस स्कूल का ही हिस्सा है. तो कैसा लग रहा है वीडियो आप लोगों ने ज़रूर बताइएगा. मोस्टली जो मैंने देखा ना भाई, यहाँ पर खाने के लिए बर्गर वगैरह ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रीफर करते हैं. बर्गर वगैरह तो एक दो, कम से कम 4-5 मैंने देखा स्टॉल्स, वो सिर्फ बर्गर के लिए लोग भाई अलग अलग लेकर आ रहे हैं अपने. भाई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के बाद इसकी लाइन आई है. ये देखो ये कुछ यहाँ पर, ये हलाल थाई फूड है जो हम लोग लेने की अभी ले रहे हैं यहाँ से. और भाई बारिश देखो, बताया ना बारिश होते हुए भी भाई लोग यहाँ पर आए हुए. और ये जो आप देख रहे हो ना भाई, ये सिर्फ एक ट्रक नहीं है, ये ना एक्चुअली एक चलता फिरता रेस्टोरेंट है. बेसिकली इसके अंदर ना भाई लोग खाना लेकर ना जगह जगह पर जाकर अपना खाना बेचते. तो ऐसी यहाँ पर ना अमेरिका में कुछ ऐसी फूड ट्रक वगैरह होती है, आई एम श्योर आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखे मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं भाई कि ऐसी फूड ट्रक वगैरह है ना आपको अमेरिका में बहुत देखने के लिए मिलेगी. देखो लाइन से काफी सारी फूड ट्रक यहाँ पर खड़ी है. जो भी टूरिस्ट स्पॉट होती है ना भाई, वहाँ पर जाकर ना ये लोग ऐसे लगाकर भाई अपना खाना वगैरह भाई यहाँ पर ऐसा बेचते हैं. तो ये भी यहाँ पर बहुत कॉमन है यहाँ अमेरिका में, इस तरीके से भाई अपना रेस्टोरेंट चलाना और इस तरीके से अपना खाना वगैरह और बिजनेस वगैरह करना. तो भाई हमने भी सहरी ले लिए है पूरी तैयारी के साथ में. इसने बिछाई ने इतना देर खड़े रहकर भाई लाइन में रखकर लिए भाई सहरी. आप चलते हैं घर की तरफ और फिर आज के आगे का जो दिन है भाई आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं. और अभी हम दिन भर में क्या करते हैं भाई यहाँ अमेरिका में रोजा रखने के बाद. ऑलमोस्ट 3:30 बज गए सुबह के, 3:30, और 3:30 बजे तक भाई हम लोग यहाँ सहरी लेते हुए खड़े हुए. और अभी लोग भी यहाँ से देखो सहरी ले लेकर लोग रिटर्न भी जा रहे हैं. सुबह 5 बजे तक चलेगा. मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया कि अंदर खाने के लिए भाई था क्या क्या, क्योंकि इतना मजे मजे का था ना, लेकिन लाइन इतनी जबरदस्त लंबी. मेरे को जो सबसे छोटी लाइन दिखी ना थाई फूड की, मैं वहाँ चली गई. यहाँ से आ जाओ. अभी जस्ट हम लोग मस्जिद से निकले हुए भाई. यहाँ पर ना आज से 2 साल पहले भाई यहाँ पर ना बहुत बड़ी बंदूक के साथ में ठाए हुई थी. मैं उसका नाम नहीं लूंगा बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा. तो ये एरिया में भाई यहाँ पर मुसलमानों के ऊपर है ना भाई ये ठाए हुई थी. एक प्रॉब्लम ये थी कि भाई यहाँ पर मुसलमानों को पहले तकलीफ होती थी, लेकिन अभी चीजें इतनी धीरे धीरे आसान हो रही है ना, मतलब धीरे धीरे इतनी सही हो रही है कि लोग आसानी से अपनी सारी चीजें भाई कर लेते, आके इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रमजान सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर ईद मनाते हैं. अब आप लोगों ने देखी पुलिस भी कैसी खड़ी थी, और एक्चुअली हर एक फ्लोर पे वहाँ पर पुलिस खड़ी थी. और उसकी सबसे बड़ी वजह भाई ये जिस एरिया में हम लोग आए थे ना, ये बहुत डेंजर माना जाता है यहाँ पर, ये सेफ जरा भी नहीं है. यहाँ पे आप कोई भी टाइम पे ऐसा घूम नहीं सकते हो. ये बाल्टीमोर में हर एक चीज अच्छे से हो गई. हम लोग भी बस हम लोग के घर से ऑलमोस्ट है ना 45 मिनट की दूरी पर है. तो मेरा यहाँ पे, मैं तो एक्चुअली पिक ऑलमोस्ट अमेरिका में 4 साल हो गए, मैं यहाँ पे एक्चुअली आया पहली बार हूँ. क्योंकि एरिया इतना डेंजर है कि भाई मेरी हिम्मत ही नहीं बनी, लेकिन आज इतना बड़ा इवेंट था, बोला हजारों लोग रहेंगे तो बोला क्या ही टेंशन है भाई, चलो चलते और चलकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे. तो भाई तुम्हारा भाई हिम्मत करके वीडियोस बना रहे और इतनी तेज बारिश में भी भाई आकर वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि बताओ अमेरिका में चल क्या रहा है. सो वेलकम बैक यारो. तो अभी एक्चुअली बस भाई दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बजे हम लोग रात में आए, बस घर पे आए. जो भी सहरी लेकर आए तो सहरी किए हम लोगों ने और फिर जाकर सो गए नमाज वगैरह पढ़ के. उसके बाद भाई अभी उठे हम लोग 12-1 बजे, थोड़ा घर में आराम किया उसके बाद भी. तो देखो वैसे यहाँ का माहौल अभी अगर आप लोग देखोगे मेरे घर का, तो आपको पब्लिक यहाँ पर दिखेगी नहीं. हाँ सुबह जब मैं गया था ना शहरी के लिए, तो वो उतने हम लोग गाड़ी में बात कर रहे थे कि इतनी सारी पब्लिक को देखना भाई एक टाइम पे, हम लोग एकदम शॉक्ड हो जाते कि भाई इतने सारे लोग. बिकॉज अगर देखोगे आप तो देखो मेरे बिल्डिंग के पास, मेरे एरिया में कोई आपको दिख रहा है इधर, कोई नहीं दिखेगा. तो ये भी है कि आप ऐसा होता है भाई कैसे इवेंट वगैरह में आपके मोस्टली इतने सारे लोगों से मुलाकात वगैरह होती है. तो खैर अभी हम लोग फिलहाल यहाँ से जा रहे हैं कॉस्को. और अभी मैं आपको बताऊँ, मैंने ना इसके पहले 2 मिनट का पूरा गाड़ी में बैठ के रिकॉर्ड किया, लेकिन गेस व्हाट, मैंने रिकॉर्डिंग बटन चालू ही नहीं किया था. और आप लोगों ने बहुत सारे जोक आप लोगों ने मिस कर दिए.
मुझे और हंसी आ रही है भी डबल जोक से ज्यादा, कितने अच्छे जोक मिस हो गए यार। लैपटॉप लैपटॉप बोलते हुए बोल दिया टैपटॉप कैपटॉप, हम लोग कैपटॉप लेने जा रहे हैं। तो खैर हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं यहाँ से कॉस्ट को और कनीज के लिए एक्चुअली लैपटॉप लेने के लिए जा रहे हैं। भाई रोजा खतरनाक लग गया है, तो कनीज के लिए हम लोग लेने जा रहे हैं भाई लैपटॉप और मैकबुक के प्रोडक्ट। भाई हम लोग वहाँ से क्यों लेते हैं ना, उसका बहुत बड़ा फायदा है मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ हलाल फूड वगैरह भी मिलता है भाई, जो हलाल खाना, घर का खाना, मतलब कल वाला नहीं रेडीमेड खाना, दूसरा हलाल वाली मीट रेडीमेड खाना जो आज आप बात ना करो वो बेटर है। कल की रात की बिरयानी कॉटक की है, जितना जबरदस्त वाली बिरयानी थी। तो होता है जज्बात में इंसान कुछ ना कुछ बोल देता है, जज्बाती हो गया। तो खैर अब यहाँ से निकलते चलते कॉस्को की तरफ, फिर आगे बात करते हैं। ये है वो स्टोर जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉस्को करके। यहाँ पर बहुत कुछ है ना भाई, बहुत सस्ते में यहाँ पे सामान वगैरह मिलता है। यहाँ पे लोग ऐसा कार वगैरह भी बेचते, मतलब इसका मतलब प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं। और यहाँ पे बाजू में एक वॉलमार्ट करके, तो ये दो सबसे बड़ी चेन है भाई अमेरिका की, जहाँ पर भाई सारा सामान वगैरह मिलता है। यहाँ पे देखो जैसा मैं बताया था इलेक्ट्रॉनिक वगैरह बहुत सस्ता मिलता है, तो अपने जो इंडिया के जो ब्लॉगर भाई लोग मेरा जो वीडियो देखते हैं, भाई देखो अमेरिका में कितने का मिल रहा है, $290 में भाई आपको GoPro Hero 11 मिल रहा है। और यहाँ पर टीवी वगैरह भी ना बहुत सस्ती मिलती है, ये देखो टीवी का प्राइस है ना भाई $300-$350 में आपको अच्छे से अच्छी यार 40-45-50 inch की टीवी वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी। भाई मैं बात कर रहा था ये डायमंड की, ये देखो भाई डायमंड की रिंग वगैरह भी यहाँ पे आपको ना मिल जाएगी। यही एक ऐसा एक स्टोर है भाई जहाँ पे डायमंड की रिंग वगैरह मिलती है, वॉलमार्ट में नहीं मिलता लेकिन यहाँ मिलती है डायमंड की रिंग वगैरह। तो ये लो भाई हम लोग लेने के लिए आए, इसके लिए लैपटॉप जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो यहाँ पर ये ले रही है कौन सा, ये 15 inch है, वो 13 inch है। अब कौन सा लेना है अभी आप देखो, ये 15 inch है पक्का। तो मैकबुक एयर की प्राइस यहाँ पर 1249 है और यही एप्पल की वेबसाइट पे भाई 1299 का है। अगर आप लोग अमेरिका से किसी से मैकबुक वगैरह या एप्पल वगैरह मंगा रहे हैं, एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट, मैं बोलूंगा भाई ये स्टोर से आके लेना कॉस्को से, और कॉस्को अमेरिका के हर जगह पर है। $50-$100 में आपका एक्स्ट्रा बचेगा भाई आपके एप्पल प्रोडक्ट्स पे। और किसी किसी में तो एप्पल केयर इंक्लूडेड भी होता है, व्हिच इज ऑनर्ड वर्ल्ड वाइड। करेक्ट, बताओ आप लोग कमेंट करके इंडिया में क्या प्राइस है अभी इसका। ना कपड़े वगैरह भी मिलते, तो लोग है ना यहाँ पर मोस्टली लोग है ना यहाँ से भी कपड़े खरीद कर पहनते हैं भाई, अच्छे कपड़े रहते हैं भाई। ये देखो यहाँ पर अगर आप लोग कॉस्को आ रहे हैं ना भाई, तो ये क्रेसेंट का ब्रांड है जिसके ये चिकन ये हलाल वाले ऑप्शन है, ये देखो क्लियरली लिखा हुआ है हलाल, और हम लोग इसी का है ना चिकन ब्रेस्ट पीस लेते हैं। ये देखे तो ये क्रेसेंट के यहाँ पे कॉस्को में भाई एक प्रॉपर सेक्शन इन्होंने बनाया है जहाँ पर लिखा हुआ है हलाल करके, जहाँ से आप लोग ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो कंपनी आप जो देख रहे हो ना, ये लैम वगैरह जो बिक रहा है ये पूरा बॉक्स के साथ में पूरा बिकता है। और ये आता कहाँ से पता है, ये मोस्टली जो हलाल ब्रांड है ना यहाँ के भाई, ये ब्रांड मोस्टली है भाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से। और भाई ये जो चिकन की अगर आप लोग प्राइस पूछोगे ना कि भाई अमेरिका में चिकन कितना महंगा मिलता है, तो भाई बता दो आधा किलो चिकन, अभी ये जो हमने पैकेट लिए ये कुछ ना 1.5 kilo का पैकेट है भाई, $12 का ना आपको 1 kilo चिकन मिलता है, ₹900 हो गए इंडिया के। मतलब दिस इज द मेड ऑलरेडी कुक मेड, हाँ चिकन टेंडर्स, बिकॉज अभी इंडिया में भी ये सब मिलता है, इंडिया में भी ऐसे फ्रोजन वाले चिकन टेंडर वगैरह लोग इफ्तारी में खाते हैं। तो ये आपको कुछ समझ लो ₹900 का भाई एक पूरा एक पैकेट मिलेगा। इंडिया में कितने का मिलता है भाई आप लोग जरूर को बताना कि भाई कितने का मिलता है इंडिया में। और साथ ही साथ में ये वाला जो चिकन आप देख रहे हो ना, इसका कुछ ना $5.50 का भाई आधा किलो ये मिलता है, मतलब वही ऑलमोस्ट समझ लो ₹350-400 का भाई आधा किलो आपको ये चिकन वाला मिलेगा। तो यहाँ से चिकन लेने का फायदा ये होता है कि भाई दूसरे इंडियन स्टोर वगैरह से ना भाई प्राइस डबल आपको देना पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ से आके भाई चिकन वगैरह लेते। और अभी इफ्तारी के लिए भी भाई जो भी अपना सामान वगैरह है ना, फ्रूट वगैरह, वो भी हम लोग यहीं से लेकर जा रहे हैं, होलसेल में एक साथ ले लेते भाई, 10-15 दिन है ना भाई ये फ्रूट वगैरह चल जाते हैं, फ्रिज में रखकर खराब नहीं होते, और से कि अपने पैसे वगैरह भी ना भाई बहुत बचते हैं यहाँ पर। तो कमेंट में ये मत बोल देना भाई आप तो मैकबुक यूज कर रहे हो, मैकबुक खरीद रहे हो एप्पल को, और यहाँ पे आके आप होलसेल की बात कर रहे हो, पैसा बचाने की बात कर रहे हो, तो भाई अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। और ये लैपटॉप हम लोग कहीं अपने शौक के लिए नहीं ले रहे भाई, काम के लिए, हम लोग का काम ही घर से होता है, हम लोग घर से ही काम करते, इसीलिए हम लोग ये लैपटॉप भी कनीज के लिए ले रहे, बिकॉज उसका जो लैपटॉप था वो खराब हो गया, तो हमें अभी दूसरा लैपटॉप चाहिए था भाई। हम लोग सोचते एक ही बार लो अच्छा लो भाई, क्योंकि फिर क्या 10 बार उसकी एक्चुअली एप्पल की पॉलिसी यहाँ पर बहुत अच्छी है, कुछ भी खराब हो गया कुछ भी हो गया सीधा दे दो और आपको सामने से पूरा नया मैकबुक मिल जाता है। तो यहाँ पे पे कर दिए, अभी यहाँ से हम लोग भाई ये लैपटॉप अंदर से ला कर देंगे, और अभी हमने पे कर चुके हम लोग के सामान के साथ में पूरा। गाड़ी का भाई प्रमोशन भी चल रहा है, अभी ये गाड़ी देखते हैं यहाँ खड़े हो गई, क्योंकि इसको ये कार बहुत पसंद आई है, पैलेसेड, ये नहीं ये पैलेसेड नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी है, लिंकन है, लिंकन अच्छी लग रही है क्या, कॉस्को ऑटोग्राम। तो खैर कुछ आज का दिन हम लोगों का भाई ऐसा था, अब घर जाकर इफ्तारी की तैयारी करना, ये जाकर इफ्तारी वगैरह बनाएगी, और इस तरीके से भाई हमारा कुछ आज का सैटरडे गुजरा है भाई। फ्राइडे सुबह सुबह सहरी, मतलब रात में सहरी, और अभी दिन के शॉपिंग, सामान घर का लेना इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ पर, ये अमेरिका में खुद के काम खुद से करने पड़ते हैं, तो ये भी एक वीकेंड ऐसा होता है कि पूरा डेडिकेट करना पड़ता है भाई
सिर्फ घर के सामान खरीदने के लिए। सो अभी जैसे हम लोग घर के पास पहुंचे और बस ऊपर जाके थोड़ा सामान वगैरह रखना है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया रहेगा, मेरी मेहनत पसंद आई रहेगी जो भी मैंने एफर्ट्स लगा के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हो। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ये सारे वीडियोस। ऐसी और वीडियो अगर आपको देखनी है तो प्लीज आप लोग बताएं कि भाई और बनाए तो मैं और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और दूसरी जगह ट्रैवल भी करने वाला जैसा मैंने आप लोगों को बताया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू यारों।